Hi guys, warm welcome in this special tutorial on essay writing. Here I am going to write essay from Cambridge 18 test 1, and this essay says the most important aim of science should be to improve people's lives. To what extent do you agree, disagree? So this essay is talking about science ki science ka jo aim logo ki zindagi improve karne ka hona chahiye. So I think definitely hona to aise chahiye, but it doesn't happen that way. होता क्या है कि इट इज़ misused एंड when इट फॉल्स into बैड hands, सो जिस वजह से डिस्ट्रक्शन भी होती है, बहुत नुकसान भी होता है. तो मैं न्यूट्रल अप्रोच लेते हुए बॉडी पैराग्राफ वन में लिखूंगा कि sometimes such inventions fall into wrong hands and these can cause destructions. और दूसरी तरफ मैं बात लिखूंगा कि ये हालांकि लोगों की सफरिंग्स को इरेडिकेट करने में भी मदद करती हैं. सो साइंटिस्ट आर सपोज टू इरेडिकेट सफरिंग ऑफ पीपल. तो ये बात हम कह सकते हैं. अब बॉडी पैराग्राफ वन की तरफ अगर हम पॉइंट्स बनाते हैं, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ्रेड नोबल हु वाज द साइंटिस्ट एंड हु इन्वेंटेड डायनामाइट. एक्चुअली ही इन्वेंटेड डायनामाइट फॉर माइनर्स, बट इट वॉज मिसयूज्ड एंड इट किल्ड पीपल. उसने खुद इसको मिसयूज़ नहीं किया और लोगों ने इसको मिसयूज़ किया. एंड देन सिमिलर वॉज द स्टोरी ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड वी ऑल नो इट वॉज यूज्ड अगेंस्ट जापान. और हिरोशिमा नागासाकी की हम बात करेंगे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में बॉम्ब्स गिराए गए एंड एज अ रिजल्ट देर वॉज जेनेटिक डिसेबिलिटी इन कमिंग जनरेशन. इवन स्टिल जनरेशन इन जापान हैव सच डिसेबिलिटीज. तो ये बॉडी पैराग्राफ वन के लिए हमारे कुछ आइडियाज़ हो जाएंगे. एंड देन बॉडी पैराग्राफ टू वी विल से वैक्सीन फॉर कोविड 19. अब उन्होंने लाइफ को फिर दोबारा से ट्रैक पर ला दिया. एंड देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड गाइज, इफ यू आर ऑल्सो वॉचिंग माई वीडियो, दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो जो रिमोट स्टूडेंट्स हैं, दे कैन एक्सेस educational resources, attend online classes, they can keep pace with world, they can even earn money, make online purchases and do bank transactions. तो ये सब कुछ हो सकता है. तो ये body paragraph 2 में हम लिखेंगे. So अब with this we have come to an end, जहाँ पर कि हम double minded हैं और हम दोनों points को रखते हुए conclude करेंगे कि without an ounce of doubt, if science is in right hands, it can make living better and serve mankind, right? और दूसरी तरफ की भी हमने बात करनी है कि whereas there have been many incidents in history when such innovations were used to cause destruction. अब यहाँ पर हमने एक इसको सही तरीके से एंड करने की एक लाइन और लिखनी है कि hence being both sided sword, ये एक दोधारी तलवार है. Science needs to be यूटिलाइज्ड कॉशियसली. इसको समझदारी से यूटिलाइज किया जाना चाहिए या किए जाने की ज़रूरत है. सो दैट इज़ ऑल आवर प्लानिंग पार्ट. नाउ वी आर इन सिचुएशन कि वी कैन स्टार्ट राइटिंग. एंड फॉर इंट्रोडक्शन हम इस जो मेन टॉपिक है, इस सेंटेंस को हम रिफ्रेज कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में. एंड दैट वे वी कैन से देर इज़ स्कूल ऑफ थाट दैट अपाइंस. क्या वो कहता है कि अब उन्होंने कहा है कि इंपॉर्टेंट एम, इंपॉर्टेंट एम की जगह पे हम लिख देते हैं दैट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ साइंस. क्या है उसने कहा है कि लोगों की जिंदगी बढ़िया बनाना, तो हम कहेंगे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ साइंस इज टू मेक लिविंग ऑफ मैनकाइंड ईजी. और इसके साथ अब हम थीसिस सेंटेंस ऐड कर देते हैं कि एज पर माई परसेप्शन एवरी साइंटिस्ट इनिशियली targets to serve humanity. Unfortunately, if his innovation falls in bad hands, it becomes a curse. Right? Ab now main thing, yani ki maine kehna kya chahta hu, I want to say, so I would have mixed views on the topic. Right? तो ये destruction भी करती है, ये लोगों की जिंदगी बढ़िया भी बनाती है और ये लोगों की जिंदगी खराब भी करती है. तो अब हम बॉडी पैराग्राफ वन, जहाँ पर कि हमने रॉन्ग हैंड्स और डिस्ट्रक्शन की बात करनी है, लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट अस नाउ मेक सुटेबल टॉपिक सेंटेंस टू किक स्टार्ट विद सम सिग्निफिकेंट इंस्टेंसेस विच मेक इट्स इमेज विलेनियस. इट्स से मेरा मतलब साइंस की बात है, तो उसकी इमेज को विलेनियस बना देते हैं, यानी कि विलेनी यानी कि नेगेटिव बना देते हैं. और हम सबसे पहले अल्फ्रेड नोबल का एग्जाम्पल ले सकते हैं. फर्स्टली एमिनेंट साइंटिस्ट
अल्फ्रेड नोबल ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो साइंटिस्ट था इंटेंडेड. अब उसने क्या किया था, एक्चुअली हिज इंटेंशन वॉज टू हेल्प माइनर्स इन एक्सप्लोरिंग हैवी रॉक्स और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तभी उसने ब्रेक थ्रू ऑफ डायनामाइट किया था. तो हम ये पहले लाइन लिखते हैं, अल्फ्रेड नोबल इंटेंडेड टू हेल्प माइनर्स इन एक्सप्लोरिंग हैवी रॉक्स एंड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स बाय द ब्रेक थ्रू ऑफ डायनामाइट. तो उसकी ये कोशिश थी. बट अब उसकी जो डिस्कवरी थी वो गलत हाथों में पड़ गई और उससे ह्यूमैनिटी को मारा गया. बट ही डिड नॉट नो दैट मिसक्रिएंट्स वुड पुट हिज क्रिएशन टू किल ह्यूमैनिटी. यहाँ पर अदरवाइज भी ये भी लिखा जा सकता है कि बट अनफॉर्चुनेटली हिज क्रिएशन फेल इन टू बैड हैंड एंड इट किल्ड ह्यूमैनिटी. ये बात भी लिखी जा सकती है. विद दिस वी हैव इंक्लूडेड वन पॉइंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक एनर्जी. एडिशनली अब यहाँ पे हमने सोचा था कि इसकी भी सिमिलर ही कहानी रही है, तो ऐसा ही हम सेंटेंस बना लेते हैं. एडिशनली सिमिलर इज द स्टोरी ऑफ एटॉमिक एनर्जी व्हिच वाज टू बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली बट वाज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान. तो ये हुआ. अब साथ के साथ इसने कैसे लोगों की जिंदगी तबाह की वो वाला एक सेंटेंस भी लिख देते हैं कि द कंसिक्वेंटल अफेक्ट ऑफ दिस हैज लेड टू जेनेटिक डिफॉर्मेशन इन मैनी कमिंग जैपनीज जनरेशंस. तो ऐसा हो गया. एंड विद दिस वी हैव एंडेड आवर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ. नाउ वी कैन स्टार्ट विद बॉडी पैराग्राफ टू ऑन द फ्लिप साइड. अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम दे देंगे जिससे कि मैनकाइंड बहुत आगे निकल गई है. तो हम सेंटेंस बना लेते हैं, देयर आर एम्पल ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स विच हैव टेकन मैनकाइंड फार अहेड. और सबसे पहले हम 2020 जहाँ पर कि कोविड 19 की बात हुई थी, तो हम लॉकडाउन हुआ था, हम ये बात कर लेते हैं. इन 2020 बिकॉज ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन व्हेन होल वर्ल्ड स्टूड स्टिल. अब यहाँ पर वैक्सीन ऑफ कोविड 19 बॉट, तो उसने ज़िंदगी को वापस ट्रैक पे वो लेके आई थी. तो वैक्सीन ऑफ कोविड 19 बॉट लाइफ बैक इन फुल स्विंग. फाइन, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाता. अब ऐसे ही हम बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की करेंगे. व्हाट इज़ मोर, ड्यू टू एडवांसमेंट और डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द मिरेकल ऑफ टेकिंग एजुकेशन टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड हैज़ बिकम पॉसिबल. ये पॉसिबल हुआ है जिस वजह से बहुत सारे लर्नर्स रिमोट एरियाज में रहते हुए भी पढ़ सकते हैं. और ये सारी बात हम जो हमने पहला पॉइंट बनाया था वो हम लिख देंगे. एज अ रिजल्ट मैनी लर्नर्स फ्रॉम रिमोट एरियाज आर एबल टू एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्सेज, अटेंड ऑनलाइन क्लासेस टू कीप पेस विद वर्ल्ड, अर्न मनी, मेक ऑनलाइन परचेजेस, डू बैंक ट्रांजेक्शंस एंड मैनी मोर टू बी अहेड ऑफ प्रसीडिंग जनरेशन. वो अपने पहले वाली जनरेशन से ऐसा सब कुछ करते हुए वो आ गए. तो विद दिस वी हैव एंडेड बॉडी पैराग्राफ टू. ऑल्सो नाउ वी आर इन सिचुएशन टू वाइंड अप, और एज इट इज़ ही हम अपनी कंक्लूजन को उठाएंगे और विद पुटिंग सुटेबल कनेक्टर टू वाइंड अप. Without an iota of doubt, if science is in right hands, it can make living better and serve mankind. Whereas there has been many instances in history when such innovations were used to cause destruction, hence being both-sided sword, science needs to be utilized cautiously. So that way this essay ends in 284 words, and this essay is trying to focus on every key area. ये task response आपको दे रहा है and then is also trying to give you connectivity और ideas भी दे रहा है, and that way this essay is going to score very good bands. Right guys, so that is the end of this video. Bye bye and we'll meet in next video.